हाय दोस्तों, आपके लिए मैं अनदर वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि जिन लोग मेरे को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है, तो मैंने मॉर्निंग में एक झील का चार्ट पोस्ट किया था। वो हावर पे झील के चार्ट का अच्छा सा ब्रेकआउट मिला, तो वहाँ पे देखेंगे किस तरह से क्या ब्रेकआउट क्या सिनेरियो बन रहा था। और मैंने इससे पहले आपके साथ शेयर भी किया था, जिन लोगों ने इस ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, जिन लोगों ने लिया तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ 5400 का। किस तरह से मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, क्या लॉजिक था, मैं यहाँ पे सबको बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरे को ट्रेडिंग में सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पे फॉलो नहीं किया, तो ये मेरा आइडिया रुचि पर यहाँ पे फॉलो किए। क्योंकि यहाँ पे मैं 15 चार्ट्स में जो शेयर से तो उनका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस डालता रहता हूँ, चार्ट पैटर्न डालता हूँ किस तरह से। जैसे कि देख सकते हैं, मैंने ऐसे झील का चार्ट पोस्ट किया था 30 दिसंबर को, जैसे कि देख सकते हैं पिछले मंथ में। और यहाँ पे आपको लेवल्स दिए, तो जो लेवल्स इम्पोर्टेंट है 228 का, आज इसने ब्रेक किया। और जैसे कि 222 का एक अम लेवल था, इसको ब्रेक किया, उसके बाद में 220 और 232 के आज टारगेट देखने को मिला। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी, एक ट्राइंगल पैटर्न भी बन रहा था, और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया। तो आज इंटरडे में इतना बड़ा मूव क्यों मिला, इसका लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है। और इसका लॉजिक देखे तो यहाँ पे जो आपके सामने अभी हावरली चार्ट है, और हावरली चार्ट पे क्या हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन आई है, जो क्या पे रिस्पेक्ट कर रहे थे 237 को, 227 को, और यहाँ पे उसने रिस्पेक्ट किया 224 को। और उसके बाद में सपोर्ट लिया उसने 202 का, और उसके बाद में यहाँ पे 218 का यहाँ पे सपोर्ट लिया। और यहाँ से जो मॉर्निंग में ब्रेकआउट दिया, तो इस मॉर्निंग में जो ब्रेकआउट दिया, तो इसका रीजन या क्या देख सकते हैं, ये जो जोन था, जैसे कि देख सकते हैं जोन मैंने डार्क किया है, तो ये जोन को जैसे निकालेगा एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, इसका 1.5 RS का स्टॉप लॉस लगा यहाँ पे मेरे 1000 क्वांटिटी, और जिस तरह से देख सकते मैंने 230 का यहाँ पे टारगेट लगा, तो मेरा अचीव हो गया। उसके बाद में तो 232 तक गया। तो यहाँ पे आप जब भी ट्रेड करें ना, तो देखिए हावरली टाइम फ्रेम पे देखिए, 15 मिनट पे देखिए, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है बहुत, और वो दो बार यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, सेकंड टाइम, लेकिन थर्ड टाइम जिस तरह से ऐसा ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, थर्ड टाइम जब ये ब्रेकआउट देता है, और उसके बाद में देख सकते हैं ये वॉल्यूम का लेवल, जब भी इस वॉल्यूम के अबव निकलता है, तो यहाँ पे बिल्कुल अपना ट्रेड पॉजिटिव में रहेगा और अपना ट्रेड सफल रहेगा। जैसे तरह यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो नो वे मतलब स्टॉप लॉस की तरफ आए नहीं, और स्टॉप लॉस रिस्क अपना बहुत छोटा रहता है, उसके बाद में रिवॉर्ड देख सकते हैं। मतलब आज देखते हैं 1:4 का यहाँ पे अपन को रिवॉर्ड देखने को मिला, क्योंकि आपने 1.5 का स्टॉप लॉस लिया था RS का, और ऊपर की तरफ देख सकते हैं अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिला, मॉर्निंग में अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था किस तरह से यहाँ पे क्या पैटर्न बना था, किस तरह से मैंने मॉर्निंग में दिया। तो मॉर्निंग में दिया था जैसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल मॉर्निंग मैंने मैसेज डाला था, यहाँ पे 9:30 को ही मैंने डाला था कि यहाँ अब ब्रेकआउट यहाँ पे ओपन हो रहा है 224 के, यहाँ से अब ब्रेकआउट ओपन होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे जा सकते हो। और जैसे कि देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था, मैंने ऐसे डाला 225 का हाई मारा, उसके बाद में देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पोर्ट्स के, उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मैंने पोस्ट किया 231 पे, जैसा मेरा स्टॉप लॉस ये मतलब सॉरी टारगेट यहाँ पे हिट हुआ, टारगेट हिट होने के बाद मैं यहाँ पे पोस्ट कर दिया, और तब वो 231 पे चल रहा था, और यहाँ पे नीचे की तरफ वॉल्यूम भी अच्छे से बढ़ते रहे थे, और ये मेरा प्रॉफिट है। यहाँ पे देख सकते हैं 230 तक जब चल रहा था, 5400 यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया झील में। तो इस तरह से आप ट्रेड किए, लॉजिक को समझे, किस तरह से मार्केट ट्रेड करता है, किस तरह से मार्केट यहाँ पे मोमेंटम करता है, उस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियो में आपके लिए। और जिन लोगों ने ट्रेडिंग व्यू या मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके मेरे को ज्वाइन या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की ब्रेकआउट पे स्टूडियो सॉरी ब्रेकआउट पे वीडियो चाहिए, या किस तरह से पैटर्न को सीखना है, तो वहाँ पे मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, उसके ऊपर मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। और मेरे चैनल को सबसे ज्यादा मतलब लाइक कीजिए, वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि अगर सब्सक्राइबर बढ़े तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूँ। चलिए, थैंक यू।